रखियो धूप में रखना, ठीक है? तो भागी तो भागी क्यों? क्यों लेट गई थी आज? फिर और तुमने दिखाया तो नहीं क्या ट्यूशन में कराया क्या स्कूल में कराया? अब मैं बोलती हूँ आने से पहले मुझे रोज़ दिखाया करो, यही भूलने की चीज़ें आके दिखाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप जरूर बताना। और बाती मंगाई थी, ख़त्म हो गई थी। ये ब्लॉग मैं 4 या 3:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। चाय बन गई है, ये टाइम चाय का होता है। आप लोग भी आ जाओ, बढ़िया सी चाय पी लो। ये भी आ गए, बारिश वैसे ही बहुत हो रही है। इतना पानी, मोबाइल नहीं लेके गई थी, नहीं मैं दिखाती, बहुत पानी भर गया है। पानी क्या भर गया, थोड़ी सी बारिश होती है, पानी निकलने की जगह नहीं है तो जगह जगह भर जाते हैं। चलिए चाय पीते, लाइट बंद है, लो। तो यहाँ पे मैंने रोटी रखी थी, उनको मैंने छौंका, तोड़ लिया, पूरी नहीं छौंकी क्योंकि मैं और वंशु सोना ही खाए थे, ये नहीं खाते हैं, इनको गैस बनता है जैसे कि। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को तोड़ लिया अच्छे से, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन तो इस बार आया नहीं है, लहसुन वगैरह डाल के बनाते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ये ना सब लोगों के साथ खाए ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटियों को मैंने तोड़ा, कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने रख दी, और बारिश हो गई है ना तो सीली सीली सी महक आ रही है, सब में अजीब सा लगे जा रहा है। तो यहाँ पे रोटी को तोड़ के बारीक बारीक तरीके से और रोटी हटा दूँगी, और इन रोटियों को आप तोड़ के तेल में फ्राई कर सकते, एकदम से करारी करारी हो जाती, काला नमक चाट मसाला डाल के आप लोग उसे खा सकते हैं। मम्मी मेरी ना उनको डब्बे में भर के इनको रोटियों को रख लेती तेल में तल के, पर मैंने सोचा अभी इनको छोंक लेती हूँ, इनको एक दिन रोटी तल के और चाट मसाला अमचूर नमक डाल के मिर्ची डाल के डब्बे में भर के आप लोगों को वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्याज डाला मैंने यहाँ पे, प्याज ज़्यादा डालो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने टमाटर उसमें ही सारा मसाला डाल लिया था, और इसको पकने के बाद इसमें रोटी डाल देंगे, और रोटी खड़ी खड़ी नहीं अच्छी लगती है, थोड़ा सा गीली गीली हो, और घी डाल के खाते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पता है सभी लोग छोंकते हैं, ऐसा नहीं हर रोज़ बासी रोटी बचती है, बस एक दो तो रोज़ बचती है, वो गाय भैंस कुत्तों को दे देते हैं, ज़्यादा बच जाती तो देखिए गेहूँ घर का तो आटा है नहीं जो कर लें, इतना महंगा आटा आता है तो फिर ये तो थोड़ा तो करना होता है, लग जाता है कि अरे भाई इतना महंगा आटा है तो यूज में ले लो। तो बस देखिए मैंने इनमें पानी डाला, थोड़ी देर इसे ढक के पकाएंगे, बहुत जल्दी पक जाएंगी। नमक डालना भूल गई थी तो मैंने चखा, फिर इसमें नमक डाला और गैस को कर दिया धीमा, और इसको प्लेट से ढक दिया। सब्जी मेरी रखी हुई थी थोड़ी सी, और थोड़ी मैंने भिंडी वगैरह काट के रखूँगी, भिंडी बना लूँगी, फिर मुझे शाम को कोई बनाने की झंझट नहीं है, एक टाइम मेरी सब्ज़ी बन जाती है, दोनों टाइम मैं सब्ज़ियाँ नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को बता दूँ वजह वीडियो इसलिए। यहाँ पे मैंने रोटी इनके लिए 4-5 सेक दिए, और थोड़ी सी रोटी में नमकीन डाल ली, और थोड़ा सा प्याज डालेंगे कटा हुआ। यहाँ पे आ गई हूँ भिंडी, थोड़ी सी भिंडी बनाने के लिए, थोड़ी सी क्या फिर आधी इधर उधर पड़ी रहती, तो मैंने पूरी भिंडी बना दी है। जब बच्चे स्कूल जाते तो मैं सुबह ही भिंडी सब्जी बना लेती हूँ, वही मेरी शाम को हो जाती है। इससे बहुत होता है, तेल बचता है, मिर्ची बचती है, मसाले बचते हैं, गैस भी बचती है, टाइम भी बचता है, सब कुछ बचता है, और फिर सुबह बच्चे टिफ़िन में ले जाते हैं, ये चले ही जाते, कौन रहता है। तो सब्जी बन गई है भिंडी की, इसमें से निकाल दूँ, गाने चल रहे हैं, आवाज़ आ रही है बहुत। लोहे की घड़ियाई में से निकाल देती, कैमरा पहुँचे एक बार, सब्जी निकाल के रख देती हूँ। बर्तन धोने बहुत सारा काम है, पर बहुत दिन से मेरे पास कमेंट आ रहा है बजट की वीडियो का, तो मैं काम धंधा छोड़ के वो बैठ गई, क्योंकि फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है। एक सेकेंड यहाँ बैठो आप, ओ ओ ये देखो, धूप निकल आई है, बर्तनों को गला दिया है, बहुत सारे बर्तन है, बहुत सारे, और मुझे नहीं पता आंखें क्यों सूज जाती है। गेट टपू बाहर, गाने चल रहे थे, ओ वंश वो निकल गया, वो लगा देना, ये निकल गया जो गेट को रोकता है। चलो सब कुछ मैंने कॉपी में लिखा है, अगर भूल जाऊं तो पता नहीं है मुझे,
सब कुछ ए टू जेड इनकी मदद से, और मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूली हूँ तो आप लोग याद दिलवा देना कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है चलो मैं बैक कैमरा करती हूँ, क्या देख रही हो? चलो मैं बैक कैमरा कर लेती हूँ। सभी के नाम लिखे हैं तो मेन चीज आप लोग पहले, हाँ रुक जाइए, महीने की कमाई तो लिखना ही भूल गई, महीने की कमाई तो देखिए, महीने की कमाई तो इनको सैलरी तो मिलती नहीं है, जो महीने पे मैं बता दूँ गाड़ी चलाते हैं, रोज का कमाना है। ठीक है तो कभी आप लोग समझ सकते हैं गाड़ी लोडिंग की गाड़ी कभी कितना, ठीक है, कभी 1000, कभी 800, कभी 900, कभी 1500, ऐसे नहीं कम, कभी ज़्यादा, कभी उससे ज़्यादा, वो तो काम मौसम के हिसाब से होता है। कभी काम बहुत डाउन चला जाता है, जैसे कि अभी बारिश चल रही है तो अभी बहुत काम कम चल रहा है, जैसे कभी कभी तो कुछ भी नहीं होता है, खाली वापस आ जाते हैं, गैस का खर्चा ही मतलब गाड़ी ले लेती है, ये समझ लीजिए। तो महीने की कमाई मैं नहीं लिखूँगी, आप लोग अपने उससे लगा सकते हैं। तो ये है, और कहने का मतलब ये भी खींचूंगी नहीं बात को कि नहीं होती है, अभी जैसे बारिश का मौसम है ये सब है तो इसमें नहीं काम है, 2-3 दिन ऐसे हो रहे हैं गले में क्या हो गया कि दूध का ही खर्चा निकल पाता है, जैसे हाँ दूध लिखना भूल गई, दूध का ही 100-150 का ही खर्चा निकल पाता है, हो जाता। आप लोग बोलेंगे अरे किसी दिन नहीं होता है तो खर्चा कैसे चलता है, तो देखिए जब भगवान ने पेट दिया तो सारा मैनेज करना पड़ता है, तो ऐसा मतलब मद्दा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो गाड़ी वाले हैं जिनका रोज का काम है, चाहे वो बेलदारी हुआ चाहे दुकान का हुआ, किसी दिन तो बहुत अच्छी चलेगी, किसी दिन कुछ नहीं चलेगी, ये बात से सहमत होंगे। और कुछ भी मैंने गलत कहा हो, कुछ भी वो किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने अपने समझ से ये लिखा है। अभी मैं कुछ भूल यहाँ लिखना भूल गई थी, याद करूँ पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो राशन हमारा महीने पे खिट्टा नहीं आता है, जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो चीज़ आती है, ठीक है, क्योंकि महीने पे अगर महीने पे सैलरी मिलती है तो हम लोग इकट्ठा ले आते हैं 3000 का, 4000 का, 2000 का, जैसे हमें चाहिए होता है। तो यहाँ हमारा जो ख़त्म होता है वही हम लेके आ जाते हैं, तब भी हम यहाँ पे 3000 का तो राशन रख ही लीजिए, 3 का, ठीक है, 3000 का राशन। और ये पूरा मैं करके अभी दिखा दूँगी। और स्कूल की फ़ीस सोना की जाती है, मैं टोटल बता रही हूँ उसकी दोनों की, 1600 रुपये, 1600, ठीक है। और ट्यूशन की फ़ीस वंशु की जाती है 1100 रुपये, ट्यूशन की फ़ीस, और स्कूल की बता दूँगी मैं, ठीक है, अभी इनको पूरा कर दूँगी मैं। तो मैंने लिख दिया है, और सिलेंडर कब, अभी तो मतलब हमारा 2 महीने चल जाता है सिलेंडर, 1 महीने नहीं 2 महीने चल जाता है, तो कभी 900 का होता है ना, कभी 900 का होता है। और गाड़ी की किस्त, हमारी बड़ी वाली गाड़ी की 7000 की किस्त जाती है महीने की, 7000 की किस्त जाती है, स्कूटी की भी जाती है 4000 की, और महीने की पेट्रोल 500 रुपये की, मेरी स्कूटी की पेट्रोल ना 500 रुपये की वो भरती है, 500 रुपये मतलब एक हफ्ते चलती है टंकी उसकी, तो 500 रुपये का आप लिख लीजिए, 500 का आप महीने का लगा लीजिए कितना हो गया। और मैं इसमें मतलब बचत भी कर लेती हूँ, कई बार पैदल चल जाती हूँ ट्यूशन, पैदल चल जाती हूँ तो बचत भी कर लेती हूँ। बिजली का बिल हमारा कभी कभार ही आता है, हम बजट में रखते हैं, क्योंकि 200 यूनिट फ्री है, तो कभी कभार 100, कभी 50 ऐसे आ जाता है, ठीक है। पानी का हमारा 3 महीने का मतलब 15 रुपये की बोतल लगती है, तो अगर गलत कुछ भी मैंने लिखा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मतलब पानी का 3 महीने का 600 ऐसे, सब्जी हफ्ते भर की हमारी 200 या 300 की आती है, हफ्ते भर की 200 या 300 की आती, पूरे हफ्ते चल जाती है, हफ्ते से भी ऊपर चल जाती है। दूध का दूध 100 रुपये
100 मतलब अभी तो बढ़ गए हैं तो 5 रुपये 105 ऐसे, तो इन 100 रुपये से जोड़ेंगे तो महीने भर का कितना हो गया, अभी मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। ये बाद में आपको मैं जोड़ूंगी और महीने पे आ जाते हैं। देखिए हम मीट मच्छी वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं सब्जी में, जैसे यहाँ पे हम जैसे चिकन वगैरह हो गया हम कुछ भी नहीं खाते हैं, बिस्किट वगैरह हो गया ये ले लिया, ड्राई जैसे फ्रूट वगैरह हो गया आप लोग देखते हैं कभी कभार लिया है तो लिया है, नहीं तो वो भी हम नॉर्मल, हमारा कोई खर्चा नहीं है, बस रोटी सब्जी यही का है, तेल वगैरह जो भी। आप लोग इतने टाइम से जुड़े हैं आप लोगों को पता ही होगा, मैं ये सारे अभी आपको ये सब मैंने बता दिए हैं कि कितने हैं कितने नहीं हैं, तो अभी मैं इनको करके बताऊंगी कितने का टोटल ये होता है मुझे जोड़ने में, तो मुझे होगा ही होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ बहुत कभी कभी ना आसानी से हो जाती, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाती हैं। आप लोग बोलते हो कि कहीं घूमने नहीं जाती हो, बाहर नहीं निकलती हो, कहीं बच्चों को घुमाने नहीं ले जाती हो, तो हम लोग अभी 2-3 शादी कराए ना, हमें पता बजट कैसे हिल जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। कहीं घूमने जाएंगे 500-600 रुपये रख लो, तो कहीं हम नहीं जा पाते हैं घूमने के लिए, मतलब हर कोई मिडिल क्लास में हर कोई सोचेगा अरे वहाँ 500-600-1000 रुपये खर्च करेंगे उसका कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग तो बोल देते हो अरे वीडियो बोरिंग हो गई है, कहीं बाहर निकलो ये निकलो, तो बाहर निकलने के लिए देखिए कभी कभार मंदिर चले जाना हुआ, अपनी मम्मी के यहाँ, ससुराल, ननद के यहाँ तो कभी कभार ही तो यही हो पाता है, और कहीं हम लोग घूमने नहीं जाते। मैं इनका जोड़ के आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मैं गलत हो गई तो इनका मैं जोड़ के, और कुछ भी मैंने इन सब में गलत लिखा हो 7000 की जगह 700 लिख दिए तो मैं उन्हें सही करके अभी आपको सब बताती हूँ। और किसी का मैं रह गई हूँ तो बताना, ठीक है, मैं करती हूँ अभी। और हाँ, पहले वंशु दूसरे स्कूल में जाती थी, अभी वंशु दूसरे स्कूल में जाती हैं, आप लोगों को मैं बता दूँ, ठीक है। सोना दूसरे स्कूल में जाती है, वंशु दूसरे स्कूल में जाती हैं, आप लोगों को बता दूँ मैं, चेंज हो गया है तो इस वजह से, पर जिसमें जाती थी उसका मैंने रखा है अभी क्योंकि उसका तो न्यू अभी सब हुआ है, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना क्योंकि हमने वंशु ने दोनों ने किया है, आप लोग जोड़ दे रहे थे इसलिए मैंने बनाया वीडियो, ये होते तब बनाते, इतना तो मेरा मैथ अच्छा नहीं है, पर तब भी कोशिश की है। गलती हो तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे बता देंगे। सबका होता है 24000 ये देखा। मम्मी ने पहले मेरे को पूरे सबके मिला के करने के लिए बोला, तो ये सबके बोले थे और तब जाके मैं प्लस करी तो 11 लिखा मैंने, 1100 ये 4300। तो देखिए कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट में करके लिख दीजिए क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो भी है हमारा, मतलब महीने पे हमारा सिर्फ क्या जाता है, महीने पे हमारा एक स्कूटी की किस्त और बड़ी गाड़ी की किस्त ये जाती है, हमारे खाने का खर्चा इतना नहीं है। आप लोग बोले इतना खाने का खर्चा इतना नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारी किस्त और बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा वैसे पड़ जाती है स्कूलों की, और इतना और फिजूल खर्चा कुछ भी नहीं है। गाड़ी की किस्त पूरी होने वाली है पर तब भी, तो ये सारे चीज़ें इसमें ना हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है ये मैं भी कुछ अन कर लेती तो मैं भी इनकी मदद कर देती हूँ, तो कुछ रह गया हो तो मुझे बताना। तो ये अगर हम इसमें से गाड़ी की और ये 7, 8, 9, 10, 11 हटा दें तो आप लोग समझिए 11000 मतलब हमारे किस्त के हटा दीजिए तो कितने बचते हैं 24000 में से, 24000 में से 11000 एक और जीरो, हाँ 11000 हटा दिए तो माइनस कर दिए तो हमारे 13000 हमारे पड़ते हैं। मेन चीज़ें गलत भी हो गया हो मुझे नहीं पता, बस मैं तो करे जा रही हूँ मुझे नहीं पता, तो 13000 में और वैसे कर लीजिए मतलब महीने का, सबसे हमें ना मतलब वो कर देती है हमारा बजट आउट कर देती है वो हमारी किस्तें। अब देखिए गाड़ी नहीं लेते तो बच्चों के लिए आने जाने में कितना दिक्कत होता और फिर ऑटो से भी जाना होता, और अगर हमें बड़ी गाड़ी नहीं लेते, बड़ी गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी तो फिर हम घर खर्च कैसे चलाते, जिससे कमाई होती है जिससे हमारा घर चलता है वो ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये है हमारा महीने का, बोल रही हूँ ना खाने का खर्चा, और वैसा हमारा कुछ भी ज़्यादा नहीं है। 2 महीने मेरा सिलेंडर चलता है
और वैसा कोई हम ना मेरे हस्बैंड कोई वैसी चीज़ें करते हैं, वो कभी कभार तम्बाकू खा लेते जो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है। और ये और बच्चों के कपड़े वपड़े देख लीजिए, कपड़ों का रख लीजिए, तब भी हर महीने शादी वगैरह में गए तभी कपड़े लेके आते हैं, अन्यथा नहीं लेके आते। वो तो कभी त्यौहार हो गया उनका तो नहीं जोड़ना, बस राशन राशन का है। तो हमारा ये है महीने का बजट। उम्मीद करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम सेविंग नहीं करते हैं, सेविंग भी कर लेते हैं। जैसे अभी हमने सेविंग की थी तो आपको पता है हमने 3-3 शादियाँ की तो उनमें सारी सेविंग चली गई। शादियाँ करना कोई वो नहीं है। भात पिनाया था दीदी के, फिर मोनिका को भी हमने टीवी दी थी, टीवी एलईडी दी थी, फिर खुद के भी कपड़े, बच्चों के भी कपड़े, वो सब। फिर रजत की अभी शादी, किराया ही किराया रख लीजिए, मतलब कितना, एक जनों की टिकट 411 रुपये लगती है, तो चार जने फिर मुँह बंद करके तो जाओगे नहीं, तो ऐसे करके बहुत खर्चा हो जाता है। तब भी बजट करते हैं क्योंकि दो दो बेटियां हैं। ऐसा नहीं है हम जमा सेविंग नहीं करते बच्चियों के नाम से, हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब कभी हमने आप लोगों को मैंने दिखाई है किस्त डाल देती हूँ 1000 रुपये की, जो कुछ वंशु के लिए बनवा दूँगी या सोना के लिए। तो ये सब है। उम्मीद करती हूँ मेरा बजट आप लोगों को समझ में आ गया, और मैं फिजूल खर्चा ना करती हूँ, घर का अच्छे से चलाती हूँ। और महीने की कमाई अब देख लीजिए, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कभी कभी किस्त पेंडिंग चल जाती, नहीं दे पाते तो आगे पीछे कर लेते हैं, तो ऐसे हो जाता है। फीस भी कभी कभी 2 महीने की नहीं हो पाती तो दे देते हैं। तो ऐसे कहते हैं नहीं, जब काम नहीं, आप लोग बोलेंगे काम नहीं चलता फिर इतना सारा खर्चा कैसे करते हो, तो ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ जाता है। और ये गाड़ी, आप बात करें तो ये गाड़ी दिन में भी चलाते हैं, रात में भी चलाते हैं, जब दिन में काम नहीं होता तो नाइट में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये, और फिर देखिए खर्चा जब है तो वो अस नहीं बस करके करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, भगवान ने पेट दिया है तो इसमें कमाओ या ना कमाओ उसे भरना तो पड़ेगा ही। तो ये ऊपर नीचे हो जाती है, कभी स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, हम पे 50 रुपये पेमेंट की फ़ाइन लग जाता है, तो ऊँचे ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे नहीं टाइम टू टाइम सब करते, नहीं टाइम टू टाइम नहीं होता है, सब ऊपर नीचे हो जाता है। पर हमारी मेरी स्कूटी की किस्त अभी मतलब 4-5 महीने में पूरी हो जाएगी, फिर हमें किस्तों से निजात मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग कुछ मदद मिली हो, और आप लोग अपनी शेयर करना। मुझे पता है आप लोग कहोगे मैं अपना इससे भी कम में चला लेती हूँ, कोई कहेगा इससे भी कम में, हम इतने में, पर देखिए खर्चा होता है, पढ़ाई लिखाई का, गाड़ी का, इन सब का खर्चा होता है। अभी तो मतलब ये सब हटा के, ये किस्त वगैरह सब हटा के, पहले तो हम किराए पे रहते थे, तब भी खर्चा तो वही होता था, पर किराए पे रहते थे तो सोना की फ़ीस नहीं जाती थी, ट्यूशन की फ़ीस नहीं जाती थी, बस वंशु पढ़ती थी। अब सोना ट्यूशन भी जाती है, स्कूल भी जाती है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ। और ये इतना तो देखिए सभी के, जिनके बच्चे हैं वो किराए पे रहते हैं, उनको किराया और मुझसे ज़्यादा और भी खर्चा उनका होगा, क्योंकि किराए पे रहते हैं उनका किराया, फिर सिलेंडर, ये तो नॉर्मली सबके खर्चे होते हैं, यहाँ किस्तों का शायद नहीं होता होगा। और तो इन तो दूध का राशन का, फल फ्रूट, इन सब का तो नॉर्मली सबका ही होता होगा, ऐसा नहीं कि हम इतने में, इतनी ज़्यादा महंगाई है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कुछ गलती की हो तो आप लोग बता देना, सुधार लूँगी, मैंने कोशिश की है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो ये है मेरा सारा बजट, बहुत माथा पच्ची की है, 2.5-3 घंटे तब जाके किया है। तो कुछ गलती हो तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग कोई गलती की हो, और बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत हाथ को खींच के चलती हूँ, ऐसे नहीं ये कर लिया वो कर लिया। और जो मैं इस, आप लोग बोलेंगे अब तुम तो इतना खर्चा करती हो, ऐसे कपड़े लेती हो, स्पॉन्सर वीडियो करती हो, तो इतने वीडियो कपड़े, तो वो सारे स्पॉन्सर होते हैं। नॉर्मली जैसे मिडिल क्लास लोग रहते हैं वैसे ही मेरा है, कोई फिजूल कपड़े नहीं, कोई हर रोज़ कपड़े नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए बाय।